सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज देखिए पहाड़ों का मौसम कितना सुहावना और खा है, और बहुत दिनों से मैं ऐसा ही ये मौसम मिस कर रहा था शहरों में रह के। तो अभी सुबह के करीब 8:30 हो रहे हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है परवाड़ी जाने की। आज वहाँ पे कुछ पूजन है, तो चलिए जी अब निकल पड़ते हैं पुराने वाले घर की ओर। और यहाँ पे ना एक ये पेड़ टूटा है, पता नहीं कच्चा था क्या हुआ, और ये बीच रास्ते में गिर गया, उसकी जड़ पूरी उखड़ गई है। अब उससे घास अलग करके उसकी टहनियाँ अलग करनी पड़ेंगी, फिर वो जब सूख जाएगा तो जलाने के काम भी आएगा। पेड़ देखिए, मतलब नेचर हमें कितनी चीजें देती है। आज है मोले संक्रांत, और आज के दिन पे ना संक्रांति पूजन करते हैं, और जो मेहल की टहनियाँ हैं ना उनको मरास यहाँ की जहाँ पे गोबर का ढेर इकट्ठा करा रहता है उसमें लगाते हैं, या फिर धान की जो फसल है ना उनके बीच में कहीं गाड़ देते हैं। हेलो साइकिल के ऐसा चला फिर चल ठीक से लगे रहा। उस उम्र में ना मुझे भी साइकिल का बहुत शौक था, पापा जी के पास थी उस टाइम साइकिल बड़े टायर वाली, लेकिन हम उसको चला नहीं पाते थे। और इस मिरर के अंदर ना पानी बैठा हुआ है, पूरी मेरी शर्ट के बाजू पे आ गया, और इस साइड आते तो नजारे ही कुछ अलग हो जाते हैं। और यहाँ देखिए हर जगह पे ना पानी आ गया है गधेरों में, ये है बस के गधेरे, मतलब बरसात में इनमें पानी भर जाता है। और आज जो पूजन है वो ठीक सामने भूमियाल देवता जी का मंदिर है वहाँ पे है। यहाँ पे देखिए कितनी भयंकर कीचड़ और किया, साथ ही ऊपर से पत्थर गिरने का डर भी है। ऐसे में आराम से चलें या पत्थर गिरने के डर से जितने चलें कुछ समझ नहीं आता यहाँ पे। और यहाँ पे काजल आज मोले संक्रांत को मनाने के लिए जो महल की टहनियाँ हैं वो लेके आ रही है। तो ये कुछ ऐसे हैं महल की टहनियाँ, इस पे महल के छोटे छोटे दाने भी लगे हुए हैं और पत्तियाँ भी हैं। अब इनको कहाँ लगाएंगे? मोल में, मरास में या खेतों में जहाँ धान हो गई है। नए वाले घर पे कितनी धूप लगी थी, वहाँ लग रहा था कि दिन हो गई है, और यहाँ अभी धूप भी नहीं आई है, इन पेड़ों पे आई है बस यहाँ पे। और यहाँ पे पूजा की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, जो ये मुलखुनी है इसमें सारा जो भी पूजा का सामान है वो रख दिया है, यहाँ पे प्रसाद बना दिया है, और साथ ही इसमें एक यखड़िया रोटी भी है, मतलब की जो वहाँ पे भोग के काम आएगा। तो चलिए जी निकल पड़े हैं पूजा करने के लिए। अपने घर से थोड़ा ऊपर पे ही है भगवान जी का मंदिर, और घर से एक सामान भूल गए, हवन के लिए लकड़ियाँ रखी थी। आजकल गीला है ना, नहीं तो वहीं से हम लकड़ियाँ कर देते, लेकिन वहाँ फिर गीली लकड़ियाँ मिलेंगी। यहाँ ऊपर वाले किचन में कहीं पे रखी हुई हैं, और ये किचन देखिए पूरा खराब खराब सा हो गया, इसको यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे काफी सीलन आ गई है। ये सारी लकड़ियाँ मुझे यहाँ से ले जानी है। जो बारीक सी लकड़ियाँ होती है ना इनको हमारे यहाँ बोलते हैं क्योड़ा, क्योड़ा मतलब जो बारीक बारीक रहती है और तुरंत जल जाती है। और ये जी अपने गाँव गिरिया को जाने वाली नई रोड, बस अब पुरानी होती जा रही है धीरे धीरे, पर इस पे काम पूरा नहीं हुआ अभी तक। हमारे घर के लिए जो नया पानी गया ना उसका टैंक यहाँ पे बना है। अब आजकल यहाँ देखिए हर जगह पे पानी पानी सा उड़ है, और आजकल पहाड़ों में ऐसी जगह पे जाएंगे ना तो भयंकर लगती है। अब मुझे यहाँ इस स्रोत से जल ले जाना है मंदिर तक, पानी के इसी स्रोत से हमारे घर को पानी जाता है। तो चलिए जी यहाँ पे पूजन की तैयारियाँ हो चुकी हैं, और जो भैया जी हैं आज के पंडित जी, वो भैया जी तो बराबर है तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और पिछली वीडियोस पे जब इन्होंने हमारे घर पे पूजा करवाई थी काफी सारे कमेंट्स आए थे कि ये हमारे सर हैं। तो जी हाँ भैया जी, जी आई सी फाटा में कार्यरत हैं अभी। यहाँ पे पहले ना मंदिर नहीं था, तो इस बार मंदिर बनवाया गया है और यहाँ पे अभी पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ पे आज हमने जो भैरव जी का पूजन किया है, तो कहते हैं कि ये भगवान शिव के ही गण हैं, और उत्तराखंड में ये परंपरा है कि जब भी हम किसी नए स्थान पर अपना घर बनाते हैं या वहाँ बसने जाते हैं तो उस स्थान के जो देवता होते हैं तो उन देवता का पूजन हम लोग करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं क्या हम आपके इस स्थान पर अपना घर बना सकते हैं या अपनी गौशाला बना सकते हैं या हम खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो पहले उनकी आज्ञा लेते हैं, फिर उनका एक प्रतीक के रूप में जो भी वहाँ पे हमें चाहे पत्थर के रूप में है चाहे हम मूर्ति बना सकते हैं, और उनकी स्थापना करते हैं, फिर उनका पूजन करते हैं। पूजन के बाद फिर हम अपना कार्य
आरंभ करते हैं। तो ये हमारे पूर्वजों ने जब इस स्थान पे आए होंगे, इस परवाड़ी स्थान में या पिलोंजी के स्थान पे, जब गांव से इस स्थान पे उन्होंने खेतीबाड़ी करने या अपना घर बनाने यहाँ पे आए होंगे, तो सबसे पहले इन्हीं भगवान जी का, जो भैरव, जो भगवान शिव के गण हैं, भैरव रूप में हम इन्हें जानते हैं, तो इनका पूजन उस समय शुरू इस प्रकार से हुआ होगा। भैरव को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है, कोई उन्हें भूमियाल देवता कहता है, कोई क्षेत्रपाल देवता कहते हैं या भैरव, तो हैं वो भैरव के ही रूप हैं। भूमियाल का अर्थ है कि उस भूमि के जो अधिष्ठा हैं, जो देवता हैं, जो रक्षपाल देवता हैं, वो भूमियाल। तो हमारे गढ़वाली में जो लोग कहते हैं भूमियाल देवता, माने भूमि के जो देवता हैं। तो जिन लोगों को पता नहीं था कि भूमियाल देवता मतलब किस रूप में हम उनको पूजते हैं, क्यों पूजते हैं, तो आपको पता लग गया होगा, भैया जी ने सारी बातें बता दी हैं। बाकी अब यहाँ पे जो ध्वज हैं उसको फहराते हैं, फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद निकल पड़ते हैं अपने अपने घरों की ओर। तो चलिए जी, पूजा अच्छी तरह से संपन्न हो चुकी है और जो पंडित जी हैं वो भी घर को निकल चुके हैं। अब हम भी निकलते हैं घर को, और यहाँ ना ये माल्टे के पेड़ हैं, यहाँ पहले बहुत ज्यादा माल्टे और नारंगी होती थी, और घर के ऊपर यहाँ से ना लैंडस्लाइड का बहुत ज्यादा डर है। यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने खिसकी हुई है, और नीचे ठीक हमारा घर है। अब यहाँ लैंडस्लाइड का इतना डर है कि आपको दिखाता हूँ कुछ दिन पहले क्या हुआ है। घर जाने का जो ये रास्ता है ना, यहाँ ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान गिरी और उसने यहाँ देखिए रास्ते को कितना तहस नहस कर दिया। यहाँ पे पूरा सीमेंट का था, पूरा उखड़ गया है, वो पत्थर नीचे गया कहीं, तो वहाँ नीचे कुछ पेड़ भी टूटे हुए हैं। अगर गलती से ये पत्थर घर की ओर आता तो काफी नुकसान हो सकता था, लेकिन अच्छी बात ये रही कि ये दूसरी साइड गया, इसीलिए हमने अपना जो घर है वो गांव में बनाया है, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड का बहुत डर रहता है मॉनसून के टाइम पे। अब घर में पहुंच चुका हूँ, अब इसके बाद मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है पिछले दिन की। शाम के 5:30 हो रहे हैं और मौसम देखिए बहुत ही गड़बड़ होने को हो रहा है। अभी कुल पहाड़ी से बात हो रही थी तो उनके गांव में बारिश लगने लगी बस, और यहां पे पायल और काजल की तैयारी हो चुकी है मार्केट जाने की। हंसो मत, चलो। वैसे मुझे गौशाला की ओर जाना था, लेकिन माँ ने बोला कि तू मनसुना चले जा, वहाँ से वो एंगल ले जा घर पे, क्योंकि मौसम गड़बड़ होगा तो सब काम करने के लिए नहीं होगा। एक चीज मुझे शहरों में बहुत बढ़िया लगी थी, इंटरनेट की स्पीड। अभी यहाँ मैंने वीडियो अपलोड पे लगा ली है, तो कम से कम 5-6 घंटे लगने वाले हैं वीडियो अपलोडिंग में। पापा जी भी आ गए हैं मार्केट से, और यहाँ ना तेज हवाएं चलने लगी हैं, शायद मौसम साफ हो जाए। नए वाले घर पे बहुत सारे काम छूट गए हैं, टाइम से अगर काम नहीं किया तो बस ऐसे रह जाएंगे। और ठीक सामने रांसी गांव से देखिए बारिश लगे जा रही है, ठीक सामने वाली पहाड़ी से भी देखिए कितनी भयंकर बारिश लग रही है। और मेरा काम है यहाँ वेल्डिंग की दुकान पे, यहाँ से कुछ एंगल ले जाने हैं सीढ़ी बनाने वाले। तो पहले एक बार बाइक को पार्किंग में खड़ी कर देता हूँ मार्केट में, फिर उसके बाद यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ से घर तक 4 एंगल ले जाने हैं और कुछ पाइप ले जाने हैं। ले जाने तो मुझे एंगल थे घर, और यहाँ पे अपना पुराना दोस्त मिला स्कूल टाइम का, आजकल छुट्टी आया हुआ है, आर्मी में रहता है। अशोक की ये वाली गाड़ी ना मैंने बहुत चलाई है, उस टाइम में मतलब ग्रेजुएशन कर रहा था, अशोक आर्मी में भर्ती हो गया था, तो जैसे कभी घर आया तो मस्त गाड़ी चलाने का मौका मिल जाता था। ठीक फिर था ओके बाय बाय बाय। मौसम भी खराब हो रहा है, मौसम खराब होने से पहले ये जो एंगल है कोशिश करूंगा कि घर तक पहुंचा देता हूं एक बार। वैसे ना सीढ़ी यहीं पे बन जाती है ऐसे पूरी तैयार होके, लेकिन इसको ले जाने में ना आफत होती, काफी भारी होनी थी उसने, तो हमने इसके पार्ट्स अलग अलग करवाए घर तक लेके और वहीं पे चिपकाएंगे। यहाँ पे 4 एंगल हैं जो कि मुझे ले जाने हैं, और ये हुए हैं 34 किलो के आसपास। और चीजें तो सब सही हुई, लेकिन बारिश हो गई है शुरू, ऐसे ही ले जाना पड़ेगा। अब घर में पहुंचते पहुंचते भयंकर वाली बारिश लगी। चलो जी, एक और काम निपट गया, और बहुत दिनों के बाद ऐसा हैवी काम किया है, जरा हालत तो खराब हो रही थी। हो सकता है शायद कल से सीढ़ी बनने का काम स्टार्ट हो जाए घर में। अभी यहाँ पे माँ भी आ गई है, और यहाँ पे जो ये पेड़ टूटा है ना, तो इसकी पत्तियां अलग कर देंगे, क्योंकि फिर वो सूख जाएगा तो किसी काम नहीं आएगा, कम से कम गाय बैल के चारे के काम तो आएगा। अब जैसे ही मॉनसून बढ़ जाता है ना, तो पहाड़ों में लाइट ज्यादा जाती है, तो लाइट से हमारा काम ना रुके इसके लिए हमने इन्वर्टर मंगवा दिया है, और यही मॉनसून में हमको इन्वर्टर मिल जा रहा था, मतलब कि वो यहाँ तक लेके देंगे। तो यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो गया है, अभी आरी ले आया हूँ, तो ये जो छोटी छोटी टहनियां हैं इसको काट देंगे। अभी तो आरे से ये काम नहीं हो पाएगा, कुल्हाड़ी चाहिए इसके लिए। बस ये घास जो है ना, या तो हम परवाड़ी ले जाएंगे या गांव में किसी को दे देंगे। गांव में अगर हम घास देंगे तो कभी यहाँ गोबर डालना होगा, हम उनसे मांग सकते हैं, ऐसे चलता रहता है गांव में।
सामने रांसी गांव से देखिए कितना उजाला है और यहाँ बुरवा गांव के ऊपर देखिए कितना अंधेरा हो गया है। यहाँ पे काले काले बादल लगे हैं ना, ये बरस जाएंगे। और जब हम पुराने वाले घर पे रहते थे ना, तो जिस दिन ऐसे काले बादल दिखते थे तो भयंकर डर लगता था, लगता था कि आज बहुत बारिश आएगी। अब यहाँ घर बन गया है, कोई टेंशन नहीं है, बस मस्त मजे से रहेंगे। कुछ ही मिनट हुए और सामने के जो काले बादल थे ना वो बरसने शुरू हो गए। तो ऐसा कुछ होता है आजकल पहाड़ों में।